ग्वालियर में एक मजदूर महिला के साथ उसके भांजे और दोस्त ने नशीला पदार्थ देकर गैंगरेप किया और फिर महिला का वीडियो भी बनाया। दोनों आरोपी पीड़िता के वीडियो के बूते पर शोषण करना चाहते थे और उसके पति को वीडियो दिखाकर धमकाकर दोबारा बुला रहे थे, लेकिन इससे पहले ही महिला ने गोला का मंदिर थाने में शिकायत की, जिस पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरियादिया ने थाने उपस्थित होकर रिपोर्ट की थी कि उसके भांजे के दोस्त ने उसके साथ कल कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर जबरदस्ती की, और जबरदस्ती करने के बाद गलत कार्य किया गया। गलत कार्य करने के बाद उसका वीडियो बनाया गया और फिर धमकाया गया कि इसको कहीं बताना मत, नहीं तो फिर हम तुम्हें फिर हमें ये वीडियो वायरल कर देंगे। तो इस आधार पर फिर पुनः उसके द्वारा कुछ 2-3 दिनों बाद फिर ये बोला कि अब पुनः गलत काम करो, नहीं तो हम ये जो वीडियो है वो मामा को सेंड कर देंगे। तो इस पर महिला के द्वारा थाना गोला का मंदिर में जो अपने भांजे और भांजे के मित्र के खिलाफ जो बलात्कार का केस रजिस्टर कराया गया है, दुष्कर्म का केस रजिस्टर कराया गया है। तो इसमें दोनों ही आरोपियों को अभी फिलहाल चूंकि ये भागने की फिराक में थे, तो ये बस स्टैंड से थाना प्रभारी गोले के मंदिर के द्वारा उन दोनों को हिरासत में लेकर अरेस्ट कर लिया।